आना हुआ है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे एक शुभ अवसर पे आई हूँ कि महाराज जी ने एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ रखा कि कोरोना काल में आप सब कोरोना वॉरियर्स ने जो है यहाँ एक अभूतपूर्व काम किया। सभी हमारे ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी सहायिका, हमारी आशा कार्यकर्ती, ANM, इन सब ने एक अभूतपूर्व काम किया। और ऐसा काम किया कि जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरों की जान बचाने के लिए अपने जीवन को अर्पण किया, ये एक बहुत बड़ा काम था। लोग अपनी जान को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करता, लेकिन आप लोगों ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपने जीवन को अर्पण किया। आप सब लोग निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। हम सब आप लोगों को बधाई भी देते हैं और आपका पूरा सम्मान करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। आज मुझे और भी अधिक खुशी हो रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने और जो है सहायिकाओं ने जो इतना अच्छा काम किया, और मुझे खुशी है क्योंकि जब 2002 में मैं पहली बार आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से मैं यहाँ की जो है, उस समय तो चौबट्टा खाल नहीं था, बीरो खाल विधानसभा क्षेत्र था, बीरो खाल से मैं प्रथम बार यहाँ की विधायिका चुनी गई और प्रथम बार ही मुझे यहाँ के मंत्री पद से भी मैं नवाजी गई। और जब मुझे ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण, संस्कृति विभाग, कई विभाग मुझको मिले, और जब मेरे पास फाइल आई और जब मैंने फाइल का अध्ययन किया तो मैंने उसमें पाया कि जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं ये भारतवर्ष में तो चलाए जा रहे हैं लेकिन हमारे उत्तराखंड में नहीं चलाए जा रहे। इस बात का संज्ञान लेते हुए मैंने जो है केंद्र में भी पत्र लिखा, और जब वहां केंद्र में इसकी बैठक हुई तो मैंने इस बात को उठाया कि हमारे उत्तराखंड में भी आंगनवाड़ी केंद्र खुलने चाहिए। अब मुझे बहुत खुशी है कि उस समय हमारी बात का संज्ञान लिया गया और पूरे उत्तराखंड में आंगनवाड़ी केंद्र खुले। और उसके बाद जो है फिर जब हम गांव-गांव जाते थे तो जिन बड़े गांव थे वहां तो खुल गए, लेकिन जहां छोटे गांव थे जिनकी जनसंख्या 500 से कम थी वहां नहीं खुल पाए, क्योंकि इसका मानक था कि जनसंख्या 500 की जब होगी जिस गांव की वहीं आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगे अन्यथा नहीं खुलेंगे। फिर मैंने इस बात पे जो है फाइल चलाई और फिर इस बात को जब दिल्ली की जब मीटिंग्स होती थी, केंद्र की मीटिंग्स होती थी, इस बात को उठाया कि हमारे तो ये जो है उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, यहां बड़े गांव नहीं छोटे छोटे गांव भी होते जिनकी जनसंख्या बहुत कम होती है। तो इस बात को संज्ञान में रखते हुए फिर सरकार ने जो है छोटे गांव में जो 250 की जनसंख्या थी उस गांव में भी मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए। तो जब एक केंद्र खुले तो इसमें हजारों हजार पूरे उत्तराखंड में हजारों हजार महिलाओं को जो है रोजगार मिला, किसी को कार्यकर्ती के रूप में लगी, कोई सहायिका के रूप में लगी। फिर मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खुले उसमें जो है सहायिका लगी, कार्यकर्ती लगी। और उस समय मुझे अच्छी तरह से याद है कि सन 2002 में एक जो अगर पुरानी कार्यकर्ती और सहायिका होगी वो जानती होंगी कि उस समय उनका केवल मानदेय एक कार्यकर्ती का मात्र 500 रुपए था और सहायिका का मात्र 250 रुपए था। और इस बात को भी हमने संज्ञान में लेते हुए जो 8 मार्च महिला दिवस था उस समय मैंने बात उठाई कि नहीं, हमारे इस समय मात्र 500 से और 250 रुपए से एक माँ अपना और अपने बच्चों का लालन पालन नहीं कर सकती, आप इनके मानदेय को बढ़ाइए। तब तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री थे पंडित नारायण दत्त तिवारी जी, उन्होंने तुरंत इस बात को संज्ञान में लिया और उनका मानदेय जो डबल किया, जिनको जो है 1200 रुपए एक कार्यकर्ती का किया और 500 रुपए एक सहायिका का किया, तो एकदम से उनकी जो है इतना मानदेय बढ़ाया। फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ बढ़ते रहा और आज उनका आप लोगों का मानदेय बहुत अच्छे संख्या में पहुंच गया है। और इस बात की भी मुझे खुशी है कि मैंने इस पे एक मानक रखा था कि हमारे पहाड़ों में जो है कई महिलाएं जो विधवा हो जाती हैं उनको पहले इसमें नौकरी मिलनी चाहिए। और फिर दूसरा मानक हमने रखा था कि जो हमारे गांव में प्रत्येक महिला है,
किसी कारणवश उनके पति अपनी पत्नी को छोड़ देते थे, क्योंकि अगर मैंने ये देखा था कि अगर गांव में किसी महिला के अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो सारा दोष महिला को दिया जाता था और पुरुष उसको छोड़ के पुनः दूसरा विवाह कर लेता था और उस महिला का कोई जीविका का साधन नहीं रह जाता था। आपने सुना होगा पुराने जो है मंदिरों में कितनी माताएं जो होती थी वो जोगन बन जाती थी, इसीलिए हो जाती थी कि उनका कोई जब सहारा नहीं होता था वो मंदिर में जोगन हो जाती थी। तो मैंने कहा हमारे गांव की कोई भी महिला किसी कारणवश कोई अपनी इच्छा से जोगन बन रहा वो अलग बात है, लेकिन मात्र इस कारण से कि उसको कोई जीविका का साधन नहीं है, उसके खाने पीने का कोई साधन नहीं है, कोई रहने का साधन नहीं है और इस कारण से वो जोगन बने और मंदिर में रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी महिलाओं को जो है इसमें नौकरी देनी चाहिए। और जिस गांव में विधवा महिला भी नहीं है, प्रत्यक्ता महिला भी नहीं है, तब एक सामान्य महिला को इसमें रोजगार मिलना चाहिए। तो यही हुआ, पूरे उत्तराखंड में जो विधवा महिलाएं थी, प्रत्यक्ता महिलाएं थी, उनको भी इस महिला सशक्तिकरण के द्वारा, इस महिला सशक्तिकरण विभाग के द्वारा उन्हें जो है रोजगार दिया गया। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे उन्हीं महिलाओं को, उन्हीं युवतियों को जो है कार्यकर्ती सहायिकाओं को जो है वो ये जो है आपको सम्मान मैंने दिया, इसके लिए मैं खुद अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ और महाराज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये उनकी सोच थी, ये उनकी परिकल्पना थी कि मैं अपने तीनों जिलों में, चाहे बीरोखाल जिला हो, आपका पोखरा जिला हो या एकेश्वर जिला हो, इसमें मैं अपने सभी उन जिन्होंने भी इसमें कार्य में योगदान दिया उन सबको मैं सम्मानित करूंगा। तो मैं महाराज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ऐसा महान कार्य जो सोचा और उसको क्रियान्वित भी किया। सोचने के लिए हम तो बहुत सोच लेते हैं लेकिन हम धरातल पे नहीं ला पाते, लेकिन जो है महाराज जी ने उसे सोचा ही नहीं बल्कि उसको धरातल पे भी लिया, उसके लिए उनको बहुत बहुत उनका धन्यवाद। और इसके अलावा जो है जिस प्रकार से जब ऊर्जा विभाग था तो हमने बहुत से काम किए, पूरे बीरोखाल विधानसभा क्षेत्र को हमने 100% इलेक्ट्रीफाई किया। पहले आप देखते थे लकड़ी के पोल थे तो यहाँ पे लोहे के पोल लगाए गए, ट्रांसफार्मर बदले गए, बहुत सारे काम किए। आपके संतुदार में जो है नवोदय विद्यालय बनाया जिसमें आपके ही बच्चों को, पौड़ी जिला के सभी बच्चों को जो पास टेस्ट पास कर लेता है उसको उसमें एडमिशन मिलता है और उसका सारा खर्चा केंद्र सरकार करती है। एक बच्चे को कोई भी कॉपी पेंसिल किताब किसी भी चीज का भी उसे खर्चा माता पिता को नहीं करना पड़ता। तो ऐसे बहुत से काम हुए, हैंडपंप लगाए गए बहुत सारे। इसी पोखरा इसी स्कूल के लिए जो है मैंने, या 100 साल पुरानी ये बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग के लिए मैंने कई 100 करोड़ रुपए मंजूर कराया और ये आपका जो है नया भवन इसमें बना। विधायक निधि के द्वारा आपका गेट, आपके कितने कक्षा कक्षों के लिए मैंने इसमें पैसा दिया, इस ये जो है आपका ये प्रांगण है इसको समतल करने के लिए, बहुत से मंच बनाने के लिए, बहुत से कामों के लिए, इस स्कूल के लिए मैंने विधायक निधि से जो काम जो आप लोगों को यहाँ पे दिया था। और अब आदरणीय महाराज जी भी इस पूरे चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में एक विकास की गंगा बहा रहे हैं। अभी देखिए लगभग 6.5 करोड़ की यह योजनाओं जो है केवल आपके पोखरा क्षेत्र के लिए उन्होंने शिलान्यास किया और अभी जो है आपके लिए ब्लॉक्स के लिए कितने करीब 4.25 करोड़ रुपए दिए हैं, 1.5 करोड़ रुपए इसमें स्टेडियम बनेगा, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में स्कूल तो बहुत हैं लेकिन पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे जमीन ना होने के कारण स्टेडियम नहीं बन पाते। तो ये जो है इस पोखरा इंटरमीडिएट कॉलेज है इसमें जो है स्टेडियम के लिए 1.5 करोड़ रुपया दिया है, तो यहाँ पे स्टेडियम बनेंगे जिससे हमारे आने वाले बच्चे भावी पीढ़ी यहाँ के कल वो भी जो है विराट कोहली बन सकता है क्रिकेट खेल के, रोहित शर्मा बन सकता है या कोई सानिया मिर्जा निकल सकती है क्या, ऐसे करके आपके भी बहुत सारे बच्चे इस उत्तराखंड से बच्चे निकल के जब स्टेडियम होगा उनको यहाँ पे मौका मिलेगा, तो यहाँ से भी हमारे कितने बच्चे निकल के बहुत बड़े बड़े जो है क्रिकेटर्स बन सकते हैं, बैडमिंटन चैंपियन वो बन सकते हैं, बहुत सारे कला वो क्रिकेट प्लेयर सब बन सकते हैं।